हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सब लोग रेडी हो ना? ओके, सो बी रेडी। बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ा था, है ना? आई होप अभी तक आपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी होगी। कर दिया ना? वेरी गुड। अभी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 की हम रिवीजन करेंगे वर्कबुक में। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद वर्कबुक में प्रैक्टिस करके ही अपने जगह पे से उठना है। और बच्चों, भूलने का नहीं है क्या? यस, वीडियो देख के आपको लाइक करना है। सो हम आपकी अटेंडेंस लगा देंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। लुक एट हियर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, काउंटिंग इन ग्रुप्स। वर्कबुक में आपका ये चैप्टर नंबर 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स है। नाउ लुक एंड गेस द नंबर, है ना? नंबर थिंग्स को देख के ही नंबर गेसिंग कर देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर ए में आपको क्या दिख रहा है? Frogs and aeroplane. तो how many frogs are here? आप yes group को imagine करके directly बोल सकते हो, guess कर सकते हो कितने होंगे? 10 frogs तो मुझे दिख रहा है। चलो count करके देखेंगे। 2, 2, 2 or 2, 4, 2, 6, 2, 8 and 2, 10, है ना? तो 10 frogs are here. एरोप्लेन कितना है? 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 एरोप्लेन्स आर हियर। टेक राइट द पिक्चर दैट आर मोर, तो कौन सा पिक्चर मोर है? फ्रॉग या एरोप्लेन? तो फ्रॉग्स का, है ना? अभी लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी। कैट्स कितनी है? 3। एंड बर्ड्स कितने दिख रहे हैं? 5. Take the picture that are more. तो कौन ज्यादा है? Birds. Yes. Fish दिख रही है? How many fish? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. Write down here 8. And how many mangoes are here? कितने दिख रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 and 9. So 9 mangoes are here. Take right the picture that are more. तो किस पे टिक करो? मैंगो पे, किया ना? ओके, आप लोगों को भी ऐसा वर्कबुक में करना है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। बच्चों लुक एट हियर, आपको ये एक वन ग्रुप दिख रहा है, 2 ग्रुप दिख रहा है, 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स दिख रहा है। ओके, हर एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स दिख रहे हैं? यस, 3। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 3 ग्रुप्स ऑफ 3 फ्लावर, 3 ग्रुप्स ऑफ 3 फ्लावर्स, दैट मीन्स 3 times 3, दैट मीन्स 9 फ्लावर, है ना? ये देखो, 3 और 3, 6 और 3, 9, तो 9 फ्लावर्स हो गए ना? ओके, नाउ आपको क्या दिख रहा है? फिंगर्स दिख रहे हैं ना? ओके, वन ग्रुप में 5 फिंगर्स है, सेकेंड ग्रुप में 5 फिंगर्स है, तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं? 2, 2 ग्रुप्स ऑफ 5 फिंगर्स, 2 ग्रुप्स ऑफ 5 फिंगर्स, दैट मीन्स 2 times 5, सो 5 plus 5, 10 फिंगर्स आर हियर। ओके, समझ गया? नाउ आपको कितने वाटरमेलन दिख रहे हैं? यस, और कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं? चलो देखते हैं। मुझे तो 2 ग्रुप्स ऑफ 4 वाटरमेलन दिख रहे हैं। आपको भी वो दिख रहा है ना? ओके, दैट मीन्स 2 times 4, दैट मीन्स 8 वाटरमेलन्स आर हियर। Got it, बच्चों? Now fill in the blanks.
फिल इन द बॉक्सेस। नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? टू। एंड नंबर ऑफ आइटम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने आइटम्स हैं? तो ग्रुप में 4, 4, 8, 4, 12 and 4, 16। दैट मीन्स 16, है ना? 16 के बच्चों दो ग्रुप है। दैट मीन्स टोटल आइटम कितने हो गए? यस, 16 + 16 दैट मीन्स 32, है ना? ओके, नाउ लुक एट हियर, कितने ग्रुप दिख रहे हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स आर हियर? 4। और हर एक ग्रुप में कितने मैंगोज है? यस, ये देखो, ये 4 है, सॉरी ये 5 है और ये 4 है। दैट मीन्स हर एक ग्रुप में 9 मैंगोज है। तो यस, 9, 9, 9 4 टाइम्स है, है ना? 9 + 9 = 18, 9, 18 + 9 = 27 and + 9 = 36। समझा बच्चों? ओके, यस। अभी आइसक्रीम के ग्रुप्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ग्रुप्स आर हियर। और हर एक ग्रुप में कितनी कैंडीज है? यस, 7, है ना? तो 7, 7, 7, 7 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। 7 + 7 = 14 + 7 = 21 + 21 + 7 = 28 + 7 = 35 + 7 = 42 So 42 candies are here, है ना? अभी कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप्स है। और हर एक ग्रुप में कितने पीजन है? 4। 4 + 4 = 8 + 4 = 16 16 + 4 = 20 20 + 4 = 24 24 + 4 = 28 and 32, है ना? ओके, नाउ हेड्स कितनी है? देखो बच्चों, कितने ग्रुप्स है? 1 ग्रुप 2 3 4 5 सो 5 ग्रुप्स आर हियर। एंड हर एक ग्रुप में कितने हेड्स है? 6, है ना? सो 5 6 + 6 = 12 + 6 = 18 + 6 = 24 + 6 = 30। ओके, मजा आया ना? ऐसा ही आपको काउंट करना है। अभी मोर और लेस, मोर और लेस में क्या करना है? कलर द ग्रुप्स दैट हैव दैट हैज मोर। कौन से ग्रुप में ज्यादा थिंग्स है तो उसको आपको कलर करना है। ओके, जैसे कि आइसक्रीम एंड एप्पल में एप्पल ज्यादा है तो मैं एप्पल को कलर करूंगी, है ना? ये देखो, ऐसा कलर करना है आपको, अच्छे से करना है, है ना? ओके, मेरे पास क्या है? मोबाइल है ना, इसलिए कलरिंग अच्छे से नहीं हुआ है, बट आप अच्छे से कर सकते हो। कलर दी ग्रुप दैट हैज लेस। कौन से ग्रुप में लेस ट्री है, ट्रीज है? यस, तो वो ग्रुप को आपको कलर करना है। ओके, यहाँ पे 5 ट्रीज है, यहाँ पे 6 है, तो कम कौन से है? 5, है ना? ऐसे ही बच्चों आपको यस इंस्ट्रक्शन पढ़ के सॉल्व करना है। कलर द ग्रुप दैट हैज लेस। लेस ग्रुप, जो भी ग्रुप में लेस थिंग्स है वहाँ पे कलर करना है। कलर द ग्रुप दैट हैज मोर। यस, किस में मोर है?
इसमें आपको कलर करना है. कैंडल्स आर मोर देन बैटरीज. कलर द ग्रुप दैट हैज मोर. तो ट्रीज है ना, फ्रूट से ज़्यादा ट्रीज में, ट्रीज ज़्यादा है इसलिए उसमें कलर करना है. और बच्चों दिस इज योर होमवर्क. जॉइन इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट है ना, एंड जॉइन द नंबर इन ऑर्डर. दैट मीन्स लोएस्ट यानी वन से स्टार्ट करके आपको आगे आगे फॉलो करना है और अच्छे से कलर करना है. ओके, नाउ राइट द मिसिंग नंबर फ्रॉम 1 to 100. तो आपको ये बॉक्स में 1 to 100 के मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. ओके, नाउ रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर. रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रुप में जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आपको सर्कल करना है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसके अकॉर्डिंगली बाकी के सब आपको करना है खुद से. क्रॉस द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर पे क्रॉस करना है जैसे एग्जांपल वन में किया है वैसे. ओके बच्चों, यहाँ पे हमारी ये वर्कबुक का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जा रहा है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय.